नमाज जाया करना और ख्वाहिशात के पीछे चलना, इससे क्या मुराद है? नमाज जाया करने से क्या मुराद है? नमाज ना पढ़ना जाया करना है, या नमाज पढ़ते हुए भी नमाज जाया हो सकती है, या इससे मुराद वो लोग हैं जो मुनकरीन सलात हैं, नमाज पढ़ते ही नहीं? ये मुफस्सरीन के यहाँ मुख्तलफी है। उन्होंने बाज़ का ख्याल ये है कि नमाज ज़ाया करने वालों से मुराद वो लोग हैं जो नमाज का सिरे से इनकार करते हैं, क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है, कभी पढ़ लेता है कभी नहीं पढ़ता, उसको ये तो नहीं कहा जा सकता उसने नमाज ज़ाया कर दी। वो नमाज का मुनकर तो नहीं है, वो नमाज कभी पढ़ लेता है, लेकिन बहरहाल वो नमाज पढ़ता है, वो नमाज का मुनकर नहीं है, तो वो इनमें नहीं आएगा। लेकिन सही बात यह है कि जो हदीस से साबित होता है कि नमाज जाया करने से मुराद हर वो शख्स है जो नमाज को पूरे आदाब के साथ नहीं पढ़ता और नमाज को पूरी पाबंदी के साथ नहीं पढ़ता, वो शख्स दरअसल नमाज को जाया कर रहा है। अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान इसके ऊपर बहुत बड़ी दलील है, नमाज जाया होने के ऊपर, कि जिस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज पढ़ी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया था कि इरजे फतुसल्ली इन्नक फइन्नक लम तुसल्ली, कि वापस जा और जाके दोबारा नमाज पढ़, तूने नमाज कोई नहीं पढ़ी। तो जब उसने पढ़ी थी तो पढ़ने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तूने कोई नहीं पढ़ी, तो गोया उसने पढ़ते हुए भी नमाज जाया की, पढ़ के जाया की। अल्लाह। इसी तरह हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी किसी हदीस में मौजूद है कि उन्होंने किसी शख्स को कि नमाज को गलत पढ़ते हुए देखा और उन्होंने उसको पूछा, एक तो उनको बताया कि तुम्हारे नमाज के अंदर ये गलतियां हैं, और दूसरा उससे पूछा कि ये इस तरह से नमाज कब से पढ़ रहे हो, तो उसने कहा 40 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे तो किसी ने बताया नहीं, मैं 40 साल से यही नमाज पढ़ रहा हूं, ऐसी ही नमाज मुझे आती। तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला ने उनको फरमाया था कि तूने 40 साल की नमाजें जाया कर दी। तो इसका मतलब यह है कि जो शख्स नमाज को पूरी सुन्नत तरीके से और पूरे आदाब के साथ और वक्त के तकाजों को और जितने तकाजे हैं नमाज के उनको मलहूज रख के नहीं पढ़ता, वो ऐसे ही है जैसे वो नमाज जाया कर लेता। अल्लाह। फिर जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुनाफिक की नमाज के बारे में आपने जिक्र करते हुए फरमाया कि मुनाफिक की नमाज ये है कि असर की नमाज को वो जाया कर लेता, असर की नमाज को वो जाया कर लेता है, और जाया करने की कैफियत क्या बयान फरमाई? फरमाया वो बैठा रहता है, सूरज को देखता रहता है, बैठा रहता है और सूरज को देखता रहता है, जब सूरज बिल्कुल शैतान के सींगों के दरमियान आ जाता है तो फिर ये उठता है, उठ के चार ठूंगे मारता है। अल्लाह। बाकायदा उसमें जिक्र है जैसे चोंच मारी जाती है और जैसे ठूंगे मारे जाते हैं उस तरह ही उठ के ठूंगे मारता है, गोया इसकी नमाज नमाज नहीं, नमाज जाया हो। तो इन सारी बातों से ये पता चलता है कि अदाउस सलात, नमाज जाया करने से मुराद सिर्फ नमाज का इनकार नहीं है, नमाज पढ़ते हुए भी जाया की जा सकती है। और फिर खास तौर पर वो लोग जो नमाजें अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, कभी तीन पढ़ ली, कभी चार पढ़ ली, कभी पांच भी पढ़ ली, तो अपनी मर्जी से पढ़ी, इसका मतलब है वो अल्लाह की नमाज तो पढ़ते ही नहीं। अगर वो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हों तो अल्लाह ताला ने पांच फर्ज की हैं, चार तो फर्ज नहीं की। जिसने किसी दिन चार पढ़ ली है और वो कहता है मैंने नमाज पढ़ ली है, तो इसका मतलब है उसने अपनी मर्जी से ये मेयार बनाया है कि जिसने चार पढ़ ली है उसने भी पढ़ ली। बाज लोग फजर और मगरिब की पढ़ लेते, कहते हैं हाँ अल्लाह का शुक्र है पढ़ ली, तो फजर और मगरिब तो फर्ज नहीं की अल्लाह ताला। तो जो शख्स फजर मगरिब पढ़ के या चार नमाजें पढ़ के, बल्कि मैं कहा करता हूं कि पांच में से पौने पांच भी अगर किसी ने पढ़ ली, स्टूडेंट्स हंसा करते हैं कि पौने पांच कैसे हो सकते, कहने का मतलब यह है जो जरा भी उस नमाज में कमी करके फिर समझता है कि मैंने नमाज पढ़ ली है, तो इसका मतलब है वो अपनी मर्जी की नमाज पढ़ता है, वो अल्लाह की मर्जी की नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह की मर्जी की नमाज क्या है? पांच है, पांच ही पढ़नी, और उसमें उसके सारे तकाजों को और सारे आदाब को बजा लाना भी फर्ज है। अल्लाह अकबर। क्योंकि अकीम उस सलात का हुक्म है कुरान में, अकीम उस सलात, अकीम उस सलात।